मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई। पहले की तरह आज भी हम कोविड-19 के मैनेजमेंट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आज हमारा जो फोकस है मेनली हमारे पेशेंट्स का बिहेवियर ओपीडी में, आईपीडी में, या जब घर से पेशेंट्स कॉल करते हैं कंसल्टेंट को, तो उनकी क्या क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं ताकि कम से कम समय में हम अपने कंसल्टेंट्स को अपनी इलनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट आते हैं, दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक तो ओपीडी जिनको केवल कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, दूसरे पेशेंट्स होते हैं आईपीडी जिनको भर्ती की आवश्यकता होती है। तो जो ओपीडी पेशेंट्स हैं जिनको माइनर इलनेस है, उनके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो पहले तो अपने कंसल्टेंट को कॉल कर लें और कंसल्टेंट के नंबर सबके पास में हैं। अगर कंसल्टेंट के नंबर नहीं हैं तो हमारे हॉस्पिटल के जो नंबर हैं उसको याद कर लें, 07884252222, और एक मोबाइल नंबर है 7225059707। पीडी में जिन मरीजों को दिखाना ज़रूरी है उसके लिए भी हमने अस्पताल में एक व्यवस्था की है कि वो अपना अपॉइंटमेंट फ़ोन से ले सकते हैं। फ़ोन नंबर जैसा कि पहले मैंने बताया, तो हम उस पर अपॉइंटमेंट जो है टाइम इस तरह से दिया जाएगा ताकि हॉस्पिटल में मिनिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एक टाइम पर रहें और पेशेंट्स की क्लस्टरिंग ना हो पाए, ताकि वहाँ पे वायरस का ट्रांसमिशन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ना हो। तो कोई भी कंप्लेंट अगर मरीज को है तो वो पहले हमारे इन नंबर्स पे या कंसल्टेंट के नंबर्स पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जब हम अपने कंसल्टेंट को कॉल करते हैं तो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी जो प्रेजेंटिंग इलनेस है, जो मौजूदा बीमारी है, उसके बारे में हमारे कंसल्टेंट को पूरा डिटेल से बताएं और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएं। जैसे इसका एग्जांपल है कि अगर किसी मरीज को 4 दिन पहले पेट दर्द हुआ था और 3 दिन पहले उसको उल्टी चालू हुई थी, तो हमारी बीइंग अ पेशेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी डॉक्टर्स को पहले ये बताएं कि हमको सबसे पहले 4 दिन पहले पेट में दर्द चालू हुआ था और इस जगह पे दर्द चालू हुआ था और उसके बाद 3 दिन से उल्टी हो रही है और 2 दिन के बाद हमको बुखार आना चालू हुआ। जनरली मरीज क्या करते हैं कि अपनी प्रेजेंटिंग इलनेस के बारे में ज़्यादा ना बताकर बाकी चीज़ें डॉक्टर्स को ज़्यादा बताते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स के लिए नहीं होती है। जैसे कि अगर 4 दिन पहले मरीज को पेट दर्द हुआ था और 3 दिन पहले उल्टियाँ चालू हुई थी और ये दोनों चीज़ ठीक हो गई और अब केवल बुखार है, तो मरीज लास्ट में केवल हमको जब प्रेजेंटिंग कंप्लेन बताता है तो बुखार के बारे में बताता है। वो जो 4 दिन पहले पेट दर्द और 3 दिन पहले उल्टियाँ हुई थी उसके बारे में बताना भूल जाता है या डॉक्टर के बार बार पूछने के बाद बताता है, तो इस तरह से कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। एक दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मरीज को अपनी पुरानी बीमारियों का पूरा जायजा डॉक्टर को देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पुराना मरीज बीपी का मरीज है, शुगर का मरीज है या हाइपोथायरॉइडिज्म का मरीज है, तो वो बीमारी उसको कितने सालों से है और उस बीमारी के लिए वो कौन कौन सी दवा खा रहा है और उसका उस बीमारी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। जैसे अगर शुगर है और शुगर के लिए कोई मरीज दवाई खा रहा है तो अभी फास्टिंग किया है, बीपी क्या है, प्रेजेंट उसका शुगर का स्टेटस क्या है, वो भी हमको डॉक्टर को बताना जरूरी है। जब तक हम पहले से डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि फोन पे डॉक्टर जल्दबाजी में या अपने बिजी शेड्यूल के कारण ये सब चीजें पूछना आपसे भूल सकता है और इम्पोर्टेंट चीज मिस हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन को जो हमको इसके आधार पे मॉडिफाई करना पड़ता है। फीमेल लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब कभी भी वो अपनी कंप्लेंट बताते हैं तो उनको अपनी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की डिटेल्स जो है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को या ऑब्स्टेट्रिशियन को बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन है जिनको हमको मॉडिफाई करना होता है, अवॉइड करना होता है, प्रेगनेंसी को दिमाग में हमको रखना पड़ता है। तो मेरा जितने भी पेशेंट्स जो फोनिक अपना कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो अपना फ़ोन करने के पहले ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए, ताकि कोई भी सिम्टम्स, कोई भी बीमारी के लक्षण उनसे छूटे ना। कई बार हम मरीज से जब बात करते हैं तो मरीज जो है नॉन स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा बताता है, कि जैसे कि वो कहता है कि उससे पूछा कि दर्द कब से हो रहा है, तो साहब खाना खाया था तब से। तो डॉक्टर को तो नहीं पता ना आपने कब खाना खाया था, हो सकता है आपने सवेरे खाना खाया हो। तो जब कभी भी अपने सिम्टम्स के बारे में बताएं तो टाइम स्पेसिफिक भी होना चाहिए और पेट में दर्द हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है ये भी ठीक से आपको मालूम होना चाहिए, उसके बारे में भी बताना है।
तो ये तो रही एक के फोन से कैसे आप सलाह ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको फोन से आपको सलाह से संतुष्ट नहीं होते हैं या आपके कंसल्टेंट ने आपको हॉस्पिटल आने के लिए कहा है ओपीडी में दिखाने के लिए, तो हमारे हॉस्पिटल में हमने प्रॉपर सुविधाएं बनाई हुई हैं। जैसे ही मरीज एंटर करेगा, सबसे पहले उसको हैंड वॉश के लिए और प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने आज से हम करने जा रहे हैं कि हमने एक स्क्रीनिंग के लिए ओपीडी बाहर बना दी है कि अगर पेशेंट को कोविड से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स है, कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स है, तो पहले ही उसको सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, उसको एक सेकेंड ओपीडी में बाहर भेजा जाएगा। वो ओपीडी भी हॉस्पिटल प्रीमाइसेस से एकदम आइसोलेटेड है। तो इस तरह से जो नॉन कोविड पेशेंट है और कोविड पेशेंट है, सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट है, उनका सेग्रीगेशन हम प्राइमरी लेवल पे इवन अपने हॉस्पिटल के बाहर से ही हमारे लिए करना संभव है, ताकि हम पेशेंट का वायरस का ट्रांसमिशन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में रोक सके। ये तो रही हमारे ओपीडी पेशेंट्स की। अब ओपीडी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में हमने एंट्री दी उनको, तो वहां पे उनका सोशल बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि सभी को मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, मास्क किसी के भी रूप में हो सकता है, किसी भी चीज से बना हुआ हो सकता है। दूसरा, जब हम हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में बैठे हैं तो हमारा सोशल बिहेवियर बहुत डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। साथ ही साथ हम हॉस्पिटल में बैठे हुए अन्य अटेंडेंट से ज्यादा इंटरेक्शन ना करें, हॉस्पिटल में रखी हुई चीजों को छुए नहीं, और कोशिश करें कि हम मिनिमम मूवमेंट से अपने पेशेंट को दिखा के हॉस्पिटल के बाहर चले जाएं और डिसिप्लिन मेंटेन करें। एक दूसरे तरीके के पेशेंट और होंगे आईपीडी, जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है, तो उनका और उनके मरीज के रिश्तेदारों का दायित्व तो हॉस्पिटल के प्रति बहुत बढ़ जाता है। इससे हमने गाइडलाइन बनाई है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी अप्रूव्ड है कि एक पेशेंट के साथ हम केवल एक ही अटेंडेंट को अलाउ कर रहे हैं। इसका डिक्लेरेशन जो है हम एडमिशन के समय ही पेशेंट से रिलेटिव से ले रहे हैं, और कोशिश करें कि वो अटेंडेंट जो पहली बार हॉस्पिटल में मरीज के साथ एंटर किया है वही लास्ट तक रहे। अब समस्या आपके सामने ये आ सकती है कि उसको किसी को अगर फूड की आवश्यकता है, पेशेंट के रिलेटिव को, पेशेंट्स को तो हम फूड हॉस्पिटल से ही सप्लाई करते हैं, अगर रिलेटिव को फूड की आवश्यकता है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके रिलेटिव को दो पास दें, एक तो जो हमारे यहाँ अटेंडेंट रहेगा उसके पास रहेगा, दूसरा उसके घर वालों के पास जो बाहर से उसको घर से फूड बना के लाएगा, उसको रास्ते में कोई परेशानी ना हो, पुलिस उसको हेल्प करे, उसके लिए भी हम एक पास इशू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो हॉस्पिटल में अटेंडेंट मौजूद है और मरीज मौजूद है, उसकी भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम वायरस के ट्रांसमिशन को रोक सके। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए दो तीन चीजें उसे करनी होगी। पहला तो वो भी मरीज और अटेंडेंट दोनों मास्क पहन के रहें, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग वो भी मेंटेन करें, तीसरा फिर से हॉस्पिटल में मिनिमम मूवमेंट करें, मिनिमम इंटरेक्शन करें, और हॉस्पिटल प्रबंधन जिस किसी भी इंस्ट्रक्शंस को उनको देते हैं उसको ईमानदारी से फॉलो करें। अगर मरीज इन ओपीडीज और आईपीडीज के जो प्रोटोकॉल्स हम बता रहे हैं उसको फॉलो करेंगे तो हमको पेशेंट को मैनेज करने में बहुत आसानी रहेगी। और मेरा सबसे पूरी जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस समय हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा ना आकर अपने घर पे रहें, और एक मरीज के साथ में एक अटेंडेंट ही रहे, और हॉस्पिटल जो है इस समय आपकी सर्विसेज के लिए ही आपके लिए प्रोटोकॉल बना रहा है, इसमें हॉस्पिटल प्रबंधन का सहयोग करें, तभी हम लोग कोविड-19 से छुटकारा पाएंगे। तो मैं आपसे सबसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ और धन्यवाद करता हूँ अभी तक आपने जो सहयोग किया, और कोई भी आपको कोई भी क्वेरीज है तो जो मैंने ऊपर नंबर बताए हैं उस नंबर पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।